UNFPA टीम ने किया मदरसा इस्लामिया का बहपुरा का दौरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। पेश है पटना बिहार से रई सामंत की रिपोर्ट। पटना जिले के बहपुरा में बुधवार को मदरसा इस्लामिया बहपुरा के प्रांगण में तालीम नोबाले गान कार्यक्रम के घटक दल UNFPA ने टीम औचक निरीक्षण किया, जिसमें मुक्ता जयदीप विश्वास चीफ पॉलिसी ऑफ पार्टनरशिप, कृत मैम नैयर, सर नेहा मलिक नालंदा मरकज के FT, मोहम्मद शारिक मास्टर ट्रेनर, मोहम्मद एहतेशाम जफर रहे। इस अवसर पर मदरसा इस्लामिया के प्रधान अध्यापक मोहम्मद तैयब, नोडल शिक्षक मोहम्मद केसर रिजवान, वसीम अहमद एवं सभी शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस निरीक्षण का उद्देश्य मदरसों में तालीमी नोबेले गान के तहत हो रही गतिविधियों का आकलन, पठन पाठन की स्थिति पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम के तहत मदरसों में होने वाले बदलाव, मदरसा में समाज का रिश्ता, अभिभावकों को अपने बच्चों को मदरसा में समय पढ़ने के लिए भेजना इत्यादि, साथ ही साथ टीम के सदस्यों ने प्रचारी एवं शिक्षकों के साथ एक मीटिंग भी की, जिसमें मुख्य बिंदु इस प्रकार रहे। मदरसा की स्थापना, संरचना, कक्षा का संचालन, छात्र छात्राओं का अनुपात पिछले सत्र एवं वर्तमान सत्र में छात्र छात्राओं की संख्या, विषयवार शिक्षकों की संख्या, बच्चों के रुझान, रुचि, अभिवृत्ति एवं भविष्य में उनके उद्देश्य के प्रति बच्चों से वार्तालाप किया। बच्चों के शैक्षिक गतिविधियों, खेलकूद, स्वास्थ्य व मदरसा आने का मकसद व मदरसे की कौन सी चीज उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, इन सभी बातों पर आए हुए अतिथिगण ने अपने ही निरीक्षण में अपने विचार प्रकट किए। अंत में मदरसा के सचिव अबरार अहमद द्वारा सभी आगंतुक आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।